दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर मान लीजिए आपको जुकाम है, तो आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर के पास जाके ये तो नहीं कहेंगे ना कि आपके पेट में दर्द है, हाथ टूटा है, तो आप तो ये नहीं कहेंगे कि आपको बुखार है कि नहीं? मान लीजिए आप टीचर के पास जा रहे हैं और आपका बच्चा, अगर मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो आप उनको जाके ये नहीं कहोगे कि मेरा बच्चा जो है इसमें काफ़ी तेज है, बस इसी को आप पढ़ाओ। जिस चीज़ की कमी है, हम उसी चीज़ के लिए कहेंगे उनको जाके कि भाई ये मैथ्स में कमज़ोर है, इंग्लिश में कमज़ोर है, तो इस पे जोर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रशांति, वेलकम टू माय चैनल प्रशांति। दोस्तों, आप जब इतने पर्टिकुलर होते हैं, पढ़ाई हो गई या फिर आपकी मेडिसिन हो गई, ये सब जब डॉक्टर या टीचर या फिर टेलर के पास जाते हैं, तो अपनी जो भी समस्या है वो हर चीज़ को आप बताने की कोशिश करते हैं, और थोड़ी सी भी अगर ऊंच नीच हो जाए तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। तो फिर जब स्किन या अपनी डाइट और हेल्थ के विषय में जब कोई क्वेश्चन आता है, तो फिर आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं? मैं आज अपनी इस ब्लॉग में आपको इसी के बारे में बताना चाहती हूँ। दोस्तों, जब आपका स्किन, मान लीजिए किस तरह का है, आप जब बगल वाले को देखते हो तो उसकी स्किन बहुत चमकती है, तो जाके हम पूछते हैं कि क्या राज है कि इतनी चमक है, तो वो कहते हैं भाई हमने ये लगा लिया, हमने वो लगा लिया, तो हमारी स्किन बहुत शाइन हो गई। हम फिर वो घर पे आते हैं, उसी को ट्राई करते हैं। कभी कभी रिज़ल्ट तो ऐसा हो जाता है कि अच्छा तो होता नहीं है, कहीं पिंपल्स निकल जाते हैं और कहीं पे पूरे दाग धब्बे, पूरे यहाँ पे दाग हो गए, यहाँ धब्बे हो गए, ऐसे हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप प्रॉपरली, आपका स्किन क्या है, किस टाइप का है, और अगर आप वो चीज़ को जान जाओ, तो आप रेमेडी खुद कर सकते हैं। तो मुझे कई लोगों ने पूछा था कि हमारी स्किन ये है, हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि पहले आप जानिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है। दोस्तों, मेरे आने वाले ब्लॉग्स में आपको सभी बताऊंगी कि आपकी स्किन टाइप क्या है, कैसी है, क्या है, और उसकी होम रेमेडी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान आप पार्लर्स वगैरह में जा नहीं सकते, और वहाँ जाने के बाद भी आपकी डर सताए रहती है कि ये सारे हाइजीनिक हैं या नहीं, बिल्कुल उन लोगों ने प्रिकॉशंस लिए हैं या नहीं, ये सारा डर लगता है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि भाई घर से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। हाइजीन के मामले में हम अपने खुद घर पे करके, और अगर हम अपने स्किन पे ट्राई करें, तो वाह क्या बात है। तो आइए आज मैं बताती हूँ आपको एक ऐसा ही होम रेमेडी जो कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप स्किन को, जैसे आप नहा के निकलते हो या फिर मुंह धोते हो या फिर जैसे हंसने की कोशिश करते हो, तो कुछ स्किन टाइप में देखने पे अजीब सा, जैसे स्किन यहाँ से लाइन्स आ जाना या फिर बिल्कुल रूखा सूखा सा लगना, और जैसे लगता है कि हमारे यहाँ पे कुछ सूजन सी आ गई है, जलन सी हो रही है, पैचेस हो रहे हैं, ऐसे आपको जब महसूस होता है, तो समझिए कि ये आपके स्किन की ड्राइनेस है। यानी कि मैं आज बता रही हूँ आपको ड्राई स्किन के बारे में। ये है ड्राई स्किन के लक्षण, कि बिल्कुल रूखा सूखा, बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होना, हंसते हैं तो फिर बिल्कुल अजीब सी सिकुड़न सी महसूस होती है, पैचेस, ड्राइनेस, रेडनेस, ये सारे बिल्कुल आपके स्किन में इनका इफेक्ट दिखता है। तो आइए दोस्तों, मैं इसका इलाज बिल्कुल आपको घर पे रहते हुए किस तरह किया जाए, ये बताने की कोशिश करें। स्किन में एक बात है कि आपके स्किन में सीबम की जो लैकनेस होती है, सीबम ऐसी चीज़ है जो कि ऑयल सेक्रेट करती है, और इसी की डिफिशेंसी की वजह से ड्राई स्किन देखने को मिलती है। तो मैं आज आपको बताती हूँ ड्राई स्किन के लिए होम रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए, घर पे रहते हुए बिल्कुल आसान, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घर पे रहते आप कर सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा मैंने लिया है, आपके पास अगर नेचुरल वाला अगर एलोवेरा नहीं है, तो आप बिल्कुल एलोवेरा जेल जो पतंजलि वगैरह की आती है, या फिर कोई भी आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। पर मेरी मानिए तो मैं तो भाई यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर पे अवेलेबल हो जाती है। आजकल तो भाई सभी ऑर्गेनिक वगैरह के लिए डिमांड करते हैं, ऑर्गेनिक पे जाते हैं, तो ये घर पे आराम से इसको ग्रो कीजिए और अपना यूज़ कीजिए, और एलोवेरा से अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। तो दोस्तों, ये है एलोवेरा, और इसके बाद ये मैंने वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। जी हाँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल आपकी कहीं भी मिल जाएगी, ये आप किसी भी स्टोर्स में ले लें, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले स्टोर में ले लें, या फिर
ऑयल मिल जहाँ होती है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी की आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अगर मान लीजिए आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं अवेलेबल है, तब आप नॉर्मल वाला जो हम पैरासूट की कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं वो भी आप ले सकते हैं। बट ट्राई कीजिएगा कि वर्जिन कोकोनट ऑयल ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे हनी लिया है, जिसको शहद बोलते हैं। ये हनी हनी बहुत अच्छा होता है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये रहा जो मैं आज मैं आपको ड्राई स्किन के बारे में बताना चाहती हूँ, उनकी रेमेडीज़ के लिए जो जो चाहिए थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब चलिए इनको कैसे यूज़ करें, किस तरह अपने स्किन पे लगाएं, मैं आपको बताने कहा था कि आपसे कि एलोवेरा जेल यूज़ कीजिएगा। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो घर पर हम जो एलोवेरा अपना जो घर पे ही प्लांट लगाते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से। सबसे पहले तो इसके अंदर का जो पल्प निकालना है, तो आप पहले साइड्स निकाल दीजिए इस तरीके से, और अब मैं इसको इस तरीके से निकाल देती हूँ। और आप देखिए ये जो अंदर का पार्ट देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों ये किस तरीके से, ये पल्प आप देख रहे हैं ना बिल्कुल इस तरीके से। तो ये पल्प अब इसको बस मिक्सी कर लीजिए, तो बस ये हमारा एलोवेरा जेल रेडी हो जाता है। और सही मानिए दोस्तों कि एलोवेरा जेल से अच्छा कुछ नहीं होता है। एलोवेरा जो है बहुत अच्छा और नेचुरल एलोवेरा लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी है। सो आप चलिए मैं आगे आपको दिखाती हूँ। एलोवेरा जो आपका मैंने उसके अंदर का जो मैंने लिया था उसको मिक्सी किया, पल्प को मिक्सी किया, करने के बाद ये मैं लेती हूँ। ये है मैंने ये छोटे वाले जो टीस्पून है इससे मैंने ये एलोवेरा जो है, ये एलोवेरा जेल बोल लीजिए या एलोवेरा का जो पल्प मैंने मिक्स किया वो लिया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट मैं कोकोनट ऑयल, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलते हैं, ये मैं ले रही हूँ, ये मैंने ले लिया। दोस्तों मैं आप अगर ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल अगर यूज़ करते हैं, तो मेरी राय है कि मैं अपनी तरफ से बताती हूँ कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जितना इफ़ेक्टिव होता है वो हर स्किन्स में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देता है कि भाई ये हमारे कोकोनट ऑयल सूट नहीं करती है, तो ऐसा नहीं होता है। मैंने काफ़ी लोगों में देखा है इसका अच्छा इफ़ेक्ट देखा है, जबकि आलमंड ऑयल हो गया या फिर ऑलिव ऑयल जो है जो चेहरे पर लगाते हैं उसकी मैंने कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल ख़राब है या फिर मत लगाइए, लेकिन क्या है कि उसमें मैंने कुछ मेरे कस्टमर से मैंने देखा है कि जब मैंने उनको आलमंड ऑयल का भी सजेस्ट की थी तो कुछ कुछ लोगों में वो साइड इफ़ेक्ट दिखाया। इसलिए मैंने ये वर्जिन ऑयल जो है कोकोनट ऑयल ही रिकमेंड करती हूँ। और ख़ासकर मैं अपनी जब पार्लर्स में भी मैं मोस्टली जब होम रेमिडीज़ का ही मैं यूज़ भी करती थी, और मैं होम रेमिडी ही कस्टमर्स को, मैं क्लाइंट्स को जो है मैं उनको होम रेमिडीज में सजेस्ट करती हूँ। दोस्तों अब कोकोनट ऑयल आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, मालिश कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आप हाथों पे, पैरों पे बिल्कुल अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। अब मैंने लिया कोकोनट ऑयल, अब मैं लेती हूँ हनी। दोस्तों ये है हनी, ठीक है, बढ़िया सा हनी लीजिएगा। और ये मैंने लिया सेम सारे, जैसे मैंने 2-2 ही टीस्पून लिया है, तो ये सारे मैंने 2-2 ही लिया है। अब मैंने इसमें डाल दिया, बस अब आपको अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए। देखिए दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से मिक्स किया, वाह अच्छे मिक्स तो हो गई है, ठीक है, मैंने इसे मिला दिया, ठीक है। देख रहे हैं आप कैसे मैंने इसको मिक्स किया, ये देखिए। अब मैं इसको मैं अब अपने अप्लाई करती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि कैसे ये आपको, ये देखिए ये मैं आपको स्किन पे लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों किस तरह मैं लगा रही हूँ। काफ़ी लोग होते हैं जो चेहरे पे ही ध्यान देते हैं, गले पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई क्या है, तो चेहरे के अलावा आप गर्दन वगैरह पे भी ध्यान दीजिए, हाथों पे भी ध्यान दीजिए। ड्राइनेस तो सिर्फ आपके स्किन पे ही, फेस पे ही नहीं रहती है, स्किन का मतलब हो गया हाथों पे, पैरों पे, गर्दन पे, सारे पे होती है। तो आप फेस पे लगाइए और वही चीज़ को आप अपने हाथों पे और फेस के बैक साइड, नेक वगैरह पे लगाइए, और इस तरीके से बढ़िया सा आप फेस पे तो बहुत अच्छे से लगा के मालिश कीजिए, मसाज कीजिए बढ़िया सा। वाह ये
हनी को तो मुझे लगता है, मैं जब भी देखती हूँ ना हनी को, तो मुझे तो लगता है कि मैं चाट जाऊँ, मुझे इतना मज़ा आता है। तो दोस्तों इस तरह आप कहेंगे कि प्रशांति इसको आपने फेस पे क्यों नहीं लगाया, हाथ पे लगा के दिखा रही है। बात दरअसल ये है कि मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, तो मुझे मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मुझे इमिडिएटली उसका रिएक्शन दिखता है, जैसे पैचेस हो जाते हैं या जल जैसा जाता है ना, बिल्कुल जल जाती हैं, तो कैसे ही उसकी छाले जैसे पड़ जाए तो मुझे इमिडिएटली वो इफ़ेक्ट दिखता है। तो लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव है मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैंने इसका इफ़ेक्ट मेरे क्लाइंट्स पे देखी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं अपनी बात छोड़िए, मैं आपको आपके ड्राइनेस स्किन की बात बता रही हूँ। तो ये मैंने लगा दिया, तो अब दोस्तों मैंने इसे लगा कि मैं अब इसको रखती हूँ कुछ, मतलब आप चेहरे पे लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और अच्छे से उसको ड्राई होने दीजिए, ठीक है। तो ड्राई होने तक मैं इसको वेट करती हूँ, 15 मिनट हो जाए उसके बाद आप अपने स्किन को नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, अगर हो सके तो थोड़ा सा गुनगुना पानी से भी धो सकते हैं, उसके बाद क्लीन कर लीजिए। और आप स्किन पे देखिएगा कि नमी आ जाती है स्किन पे, बहुत अच्छी सी हल्का से चिकनापन रहता है, बहुत अच्छी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। मॉइस्चराइज़ कीजिए अपने स्किन को। हाँ, आप अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की मॉइस्चराइज़र है तो आप नाइट मॉइस्चराइज़र लगाइए, बट मैं तो सजेस्ट करूँगी आपको कि ये कोकोनट ऑयल ही आप रात को भी लगाएं, बहुत अच्छे से हर 2 दिन 3 दिन में आप इस, मैंने जो आपको ये रेमेडी बताई हूँ उसको बना के रख लीजिए, और आराम से आप जब खाना बना रही हैं, जब भी आपको मौका मिलता है तो आप लगा के रखिए। 10 मिनट के लिए टीवी देख रही हैं या फिर घर पे, अभी तो कोरोना का सीज़न है तो घर पे तो हम सारा दिन बैठ के तो रहते हैं और काम वगैरह चल रहा है, तो बस आप उसी दौरान ये सब काम करते रहिए, चेहरे को भी ग्लो बनाइए और अच्छे से खाइए पिए। तो दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो फिर क्या कहना है, तुरंत चलिए बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे आने वाले व्लॉग्स में मैं और भी काफ़ी अच्छे टिप्स और मेरे काफ़ी अच्छे टॉपिक्स के साथ आपके सामने रहूँगी। सो अंटिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।